और यहाँ पे करेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, शेप। क्लास मैंने बनाया शेप। ठीक है, एक और क्लास मैंने बनाया जिसमें हम लोग रेक्टेंगल शेप का एक क्लास बनाते हैं। रेक्टेंगल एक और बनाता हूँ, क्लास सर्कल। ठीक है, मैंने तीन क्लास बनाया। अब यहाँ पे मैं इस क्लास को बनाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, ओके, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एक क्लास बना के, क्लास डेमो एब्स्ट्रैक्ट। ओके, डेमो एब्स्ट्रैक्ट नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। हम लोग जावा BCA 3 के अंदर सेव करेंगे, डॉट जावा, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब मैंने इसको बना दिया है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जब मैंने इसको बना दिया है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट हो। तो हम लोग यहाँ पे एक वॉइड ड्रॉ नाम का मैं एक मेथड बना देता हूँ। ठीक है, जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करूंगा। जब मैं इसको डिक्लेयर करूंगा तो हम लोग को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना मैंडेटरी हो जाता है। हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करेंगे। ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, देन उसके बाद हम इस शेप को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं रेक्टेंगल में और सर्कल में। तो सबसे पहले मैं इसको इनहेरिट कर देता हूँ, एक्सटेंड्स शेप। देन उसके बाद एक्सटेंड्स शेप, दोनों में मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब इस शेप क्लास को जिसमें भी हम लोग इनहेरिट किए हैं, मीन्स रेक्टेंगल में और सर्कल में, सब में इस वॉइड ड्रॉ का इम्प्लीमेंटेशन देना जरूरी। मतलब डिफाइन हम लोग कहाँ पे करेंगे, इस चाइल्ड क्लास में हम लोग डिफाइन करेंगे। सेम सिग्नेचर हम लोग यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लोग को नहीं लगाना है, और हम लोग सिंपल मेथड जैसा बनाते हैं वैसा ही हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दिस इज रेक्टेंगल। दिस इज रेक्टेंगल। देन उसके बाद हम लोग सर्कल क्लास के अंदर आते हैं और यहाँ पे भी उसका इम्प्लीमेंटेशन देंगे। सेम चीज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे से पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे दिस इज सर्कल मैंने यहाँ पे लिख दिया। दोनों में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन दे दिए हैं। अब आते हैं हम लोग क्लास डेमो एब्स्ट्रैक्ट में, जिसमें हम लोग अपना मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट, strng string args, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, रेफरेंस हम लोग यूज करेंगे इस शेप का, और रेक्टेंगल का और सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेप s सॉरी r1 इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ऐसा। और यहाँ पे मैं R1 डॉट
को मैं कॉल कर दूंगा। देन वैसे ही मैं शेप C1 इक्वल टू न्यू सर्कल, देन उसके बाद C1 डॉट मैं क्या कर दूंगा, ड्रॉ को कॉल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे शेप का रेफरेंस यूज किया है और रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया है। हम कभी भी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, मीन्स इसका हम लोग इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो हम लोग, लेकिन इसमें ऑप्शनल होता है कि हम लोग यहाँ पे उसका रेफरेंस यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग रेफरेंस यूज कर रहे हैं इसका। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। कमांड हम लोग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं cd \e cd java bca 3। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जावा सी demo abstract dot java। तो यहाँ सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम लोग इसको कर देते हैं रन। रन करने के लिए हम लोग लिखेंगे जावा डेमो एब्स्ट्रैक्ट और यहाँ पे दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज सर्कल, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट किया होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ 1 1 कर देता हूँ, ठीक है। नेम हम लोग इसका चेंज कर दिए। फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ कंपाइल, ठीक है। अब एरर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे एरर हम लोग को देखने मिल रहा है, रेक्टेंगल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ इन शेप क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड शेप। तो यहाँ पे हम लोग को एरर देखने मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ, मीन्स यहाँ पे हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी जो भी डिक्लेरेशन होगा किसी भी मेथड का जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, उसका डेफिनेशन अपने चाइल्ड क्लास में देना कंपलसरी होता है। अगर हम लोग नहीं देंगे तो यहाँ पे हम लोग को एरर देखने मिलता है। मैं इसमें से 1 1 हटा देता हूँ, एक क्लास में करता हूँ, एक क्लास में नहीं करता हूँ। तो हम लोग देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, ठीक है। अब एक एरर आ रहा है यहाँ पे, सेम एरर आ रहा है, सर्कल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ इन शेप क्लास सर्कल एक्सटेंड शेप, ठीक है। तो जितने भी चाइल्ड क्लास होगी सभी में इम्प्लीमेंटेशन देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि एक हम लोग चाइल्ड क्लास में दे दिया और बाकी किसी में भी नहीं दिए। जितने भी चाइल्ड क्लास होंगे सभी में हम लोग को उसका डेफिनेशन देना जरूरी होता है। तो हमने 2 चाइल्ड क्लास बनाया था, रेक्टेंगल और सर्कल, दोनों में हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन दिए और दोनों में ही अलग अलग चीजें हो रही है। यहाँ पे दिस इज रेक्टेंगल प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे दिस इज सर्कल प्रिंट हो रहा है। दोनों में लॉजिक हम लोग अलग अलग दे सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करना है वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पे हम लोग ओवरराइड कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, देन उसके बाद उसके चाइल्ड क्लास में सेम सिग्नेचर के मेथड हम लोग बना रहे हैं और उसके थ्रू हम लोग अलग अलग लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दोनों में अलग अलग लॉजिक हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैं यहाँ पे इस बैंक क्लास को बना देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट,
मैंने इसको बना दिया एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ से मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन हटा देता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ इसको डिक्लेयर करता हूँ और इसके भी सामने यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिए, यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन मैंने हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट है। और यहाँ पे जिसमें हम लोग ने एक्सटेंड किया है SBI, ICICI, एक्सिस, ठीक है, तीनों में हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, तीनों को ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और इसको कॉल कर दिया है। तो मैं इसको पूरा का पूरा हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं बनाता हूँ बैंक B1 इक्वल टू न्यू SBI और यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन B1 है ना, तो B1 यहाँ पे कर देते हैं। चलो हम लोग तीनों सबका सबसे पहले बना लेते हैं, बैंक ICICI के लिए I1 हम लोग बना लेते हैं इक्वल टू न्यू ICICI। देन उसके बाद आते हैं हम लोग बैंक एक्सिस के लिए A1 हम लोग बना लेते हैं इक्वल टू न्यू एक्सिस। ओके, तो हमने B1, I1 और A1 हम लोग ने बना दिए और यहाँ पे हम लोग इसको एक एक करके कॉल कर देंगे। रेट ऑफ इसके लिए हम लोग ने क्या बनाया है, B1 बनाया है। ICICI के लिए हमने क्या, सॉरी SBI के लिए हमने बनाया B1, ICICI के लिए I1 और इसके लिए A1। लास्ट वाले को हम हटा देते हैं। तो हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए और तीनों के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको रन करके देखते हैं, जावा सी डेमो ओवरराइडिंग 2.java। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको रन कर देते हैं, जावा डेमो ओवरराइडिंग 2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SBI 7, मीन्स ये वाला कॉल हुआ। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ICICI, ये वाला कॉल हुआ। देन उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एक्सिस, ये वाला कॉल हुआ। तो हमने यहाँ पे बैंक का ही रेफरेंस यूज किया है और SBI का, ICICI का और एक्सिस का हमने तीनों का ऑब्जेक्ट बनाया और तीनों के ओवर रिडन मेथड जो है उसको हम लोग ने कॉल किया।